बहुत ज़्यादा प्यार मिला वहाँ। प्यार तो इतना मिला जो कहिए न, हम तो स्टेज तक गईबे नहीं किए प्यार के मामला में। समस्या ये था कि देवघर में जो शो था वहाँ लाखों पब्लिक नहीं थी, कम से कम 2.5 से 3 लाख पब्लिक थी। तो वहाँ पे चैनल का शो था, बी गंगा का शो था, तो हम गए थे उसी के लिए। लेकिन वो वहाँ पे हुआ क्या, जे हमारी एंट्री लेट में हुई, हमारा और मनोज भैया का एंट्री लेट। एक्चुअली हम दोनों, हम और मनोज भैया थी मेकअप रूम में थे, बैठे थे, तब तक इधर हंगामा, खेसारी खेसारी सब चिल्लाना शुरू किया और कुर्सी टूटना शुरू हुई। तो मुझे फिर अभी भैया ने और पंकज तिवारी जी ने बोला कि प्लीज़ आप जाके शांत करिए। तो मैं माइक लेकर सबको शांत तो किया, लेकिन फिर भी चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी थी, वो चीज़ शांति नहीं हुई। वो लोग बोले कि एक काम करिए, जब ये शांत हो गए हैं तो फिर हम टोली लगाते हैं, शूट करना है हमें चैनल के लिए। तब फिर टोली लगना शुरू हुआ, तब तक हम जैसे पीछे गए तब तक बवाल बढ़ गया। फिर पंकज जी ने और अभी भैया ने बोला कि आप लोग होटल जाइए, तो हम लोग होटल चले आए। उसके बाद फिर वहाँ प्रशासन बोला कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्थितियाँ बहुत बिगड़ चुकी थी। तो फिर हम नहीं कर पाए शो, और उसके लिए बहुत सारा बवाल के खेसारी ने अश्लील गाना गा दिया। तो उसके लिए मैं देवघर की गरिमा को समझ सकता हूँ, देवघर की जहाँ जिस धरती ने मुझे जन्म दिया, जिस धरती ने मुझे इतना सम्मान दिया, वहीं से मैं बहुत बड़ा, मेरी कैसेट हिट हुई, और मैं उस धरती को, गरिमा को कैसे गलत कर सकता हूँ। तो मैं स्टेज तक गया सिर्फ समझाने के लिए, उसके बावजूद भी एक नाचना शुरू किया और सारा कुछ ढहना शुरू किया। तो फिर भी चीज़ें नहीं सुधरी, और कुछ लोग उसको मीडिया में उछाल रहे हैं कि खेसारी गंदा गाना गाकर। और वहाँ पे मैं चैनल का शो करने गया था, और चैनल के साथ साथ मैं उस नगरी में गया था जिस नगरी में पूरी दुनिया का आस्था बैठा हुआ है, और उस नगरी को दुनिया ने गलत, कुछ मीडिया वाले भाई ने कुछ इंटरव्यू अलग अलग करके और उसको गलत ठहरा रहे हैं मेरे नाम पर। वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन नाम मेरा ही उछला जा रहा है। तो मुझे बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे भी जितने श्रोतागढ़ हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़, मैं उतना भी गलत नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके ही घर से आया हुआ हूँ, उतना भी गलत नहीं हूँ, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, बस आपसे मेरी प्यार है, मोहब्बत है, आप गार्जियन है मेरे, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि हर आदमी मेरे पीछे लग गया है जो खेसारी को कैसे बदनाम कर दिया जाए, कैसे, अगर इस दुनिया को लगता है कि मुझे काम नहीं करना चाहिए, तो आप लोग खुल कर बता दीजिएगा हमारी पब्लिक कि खेसारी तुम इस दुनिया के काबिल नहीं हो। मैं अपने घर फिर चला जाऊंगा, फिर से जाकर, ठीक है, एक आदत है ना लिट्टी चोखा बेचने की, वो भी बेचूंगा तो स्टाइल से ही बेचूंगा, अच्छा दुकान करके बैठ जाऊंगा, मैं भैंस तबेला खोल दूंगा, क्या करूंगा, जब लोगों के दिल में मैं चुभ रहा हूं, यहां की इंडस्ट्री के कुछ लोगों के दिल में, ये सब इन्हीं लोगों का काम है जो कुछ मीडिया को बुलाकर और मेरे पीछे षड्यंत्र करके और आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप सब इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। मेरा पोस्टर लगा देते हैं, गंदा गाना गा देते हैं, उसमें भी मुझे दोषी ठहरा देते हैं कि खेसारी ने गलत किया है। मैं किसको किसको मना करने जाऊंगा, बताइए, मैं किसको किसको, जो जो गाते हैं उनको तो जानता तक नहीं मैं। मैं अपना काम करूं कि अब डेली मैं लगा रहा हूं यूट्यूब पे और फेसबुक पे कि हाँ कौन क्या कर रहा है, तो मुझे काम भी तो करना है। रीजन क्या रहा इसका, मतलब आपके पीछे लोग जो पड़े हुए हैं हाथ धो के कुछ गा रहे हैं, ये बताइए कि मोदी जी के पीछे कितने लोग पड़े हैं, सारी नहीं सारे। देखिए होता क्या है कि जब आप आगे होते हैं, जब आप आगे होते हैं ना, तो ये दुनिया को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम वही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से कुछ बिगड़ा नहीं है भाई, लेकिन कुछ लोग उसको व्यक्तिगत लेकर और मेरे ऊपर षड्यंत्र करते हैं, बाकी कोई व्यक्तिगत मेरा, आज भी आम पब्लिक कोई बोल देगी खेसारी ने मुझे उल्टा बोल दिया, मुझे गाली दे दिया, मुझे ये कर दिया, मैं लोगों को ही क्यों चुभता हूँ। तो आज मोदी जी के बारे में कितनी दुनिया बोलती है, ये चीज़ें बोलती है, वो चीज़ें बोलती है, तो जब आप आगे होंगे तो ये चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी।